नमस्कार, मैं हूँ ममता। आपको मेरी किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ येलो दाल फ्राई। चलिए अब देखते हैं दाल फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये है रहर दाल, यहाँ 200 ग्राम। आप चाहे तो चना दाल या मूंग दाल भी ले सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज, करी पत्ता, 2 लाल मिर्च, आधा इंच अदरक का पेस्ट, 5-6 कली का लहसुन, लहसुन को मैंने बारीक काट दी है, 1 चम्मच जीरा, आधे छोटे चम्मच राई, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टमाटर को मैंने बारीक काट दी है, धनिया पत्ता, तेल, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम दाल को अच्छी तरह धो देंगे। मैं दाल को अच्छी तरह धो दी हूँ। अब हम प्रेशर कुकर में 4 कप पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने 2 कप डाल ली हूँ, इसीलिए मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालकर गैस में 4 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम गैस ऑन करके प्रेशर को रखेंगे और 4 सीटी आने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में ही हमें प्रेशर कुकर को रखना है। हमारा दाल पक गया है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। इसमें लाल मिर्च, जीरा, राई, प्याज, अदरक, लहसुन सब मिलाकर 1 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। टमाटर में हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दाल डालेंगे। ये बहुत ही ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी गरम करके मिलाएंगे। ध्यान रहे दाल में ठंडा पानी नहीं डालिएगा। ऐसे ही हमारा दाल का थिकनेस रहना चाहिए। इससे हम ढककर 2 मिनट छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए हमारा दाल फ्राई रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये हो गया हमारा येलो दाल फ्राई। ये एक खुशबूदार दाल फ्राई है। आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।